हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं मानकशिप, जो कि हमारा पड़ता है उसी वाला गांव में। अभी यहां से ना 15 किलोमीटर आ गए हैं, तो देख सकते हैं आप पीछे का व्यू, इतना प्यारा व्यू है। तो अभी तक मैंने 2 सिद्ध कंप्लीट करे हैं। सबसे पहले तो मैं गया था लक्ष्मण सिद्ध, उसके बाद मैं गया हूँ कालू सिद्ध। तो देख सकते हैं आप मेरी पुरानी वीडियो। और अभी हम जा रहे हैं मानकशिप, और कल रात को बारिश भी हुई थी तो मौसम कितना भी प्यारा है। तो दोस्तों, बजरंगबली का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो आज हम जा रहे हैं मानकशिप। जय श्री श्री मानकशिप बाबा सिद्ध पीठ। तो दोस्तों, मानकशिप की दूरी घंटाघर क्लॉक टावर से 17 किलोमीटर है। आप कैब टैक्सी बुक कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट व्हीकल में भी यहाँ पे जा सकते हैं। मानक सिद्ध मंदिर बड़ोवाला से आगे बुद्धिवाला गांव में स्थित है। यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही बड़े पेड़ों से होके गुजरता है, जो देखने में बहुत ही शांत और सुंदर है। जैसे कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट ब्लॉग लक्ष्मण सिद्ध वाले में बताया था कि जो माता अनुसुईया थी, उनके जो पुत्र थे दत्तात्रेय जी के 84 शिष्य थे, जिन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और मानव कल्याण के लिए चले गए, जिसमें से उनके एक शिष्य मानक सिद्ध जी थे। मानक सिद्ध जी ने यहाँ पे भगवान की तपस्या की थी, फिर उन्हें यहाँ पर भगवान के दर्शन हुए और उन्हें यहाँ मानक सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। मानक सिद्ध पीठ में जो भी व्यक्ति आता है, जब उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, तो वह यहाँ पर भंडारे का आयोजन करता है। साल में सोमवती अमावस को यहाँ पे बड़े भंडारे का आयोजन होता है। कम से कम 10,000 लोग उस वक्त भोजन करते हैं। यहाँ सारा काम समिति की देखरेख में होता है। तो लीजिए दोस्तों, देखते ही देखते हम पहुँच गए मानक सिद्ध। जय श्री श्री मानक सिद्ध बाबा सिद्ध पीठ। तो दोस्तों, अंदर से मानक सिद्ध कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे भगवानों की बहुत सारी अलग अलग मूर्तियाँ भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल भी हैं। और यहाँ पे एक धुनी भी है, जो कि त्रेता युग से जलती हुई आ रही है, जो पूरे दिन भर जलती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। मैंने सबसे पहले मानक सिद्ध बाबा के दर्शन लिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ और भगवानों की भी मूर्तियाँ हैं, तो मैंने एक एक करके सारे देवी देवताओं के दर्शन लिए।
दोस्तों, ये था हमारा मानकृत का ब्लॉग। अभी हम गए थे, हमने दर्शन लिए, काफ़ी अच्छा फील हुआ, काफ़ी पॉजिटिविटी आई, काफ़ी सुकून मिला यहाँ आके। तो मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि आप भी यहाँ आइए। तो इसी के साथ हम यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।